Hello and welcome all of you, and you are watching K Commerce Academy with me, Kunal Singhal. So in today's video we'll be studying importance of business environment. Kal humne meaning of business environment to already pad liya tha, characteristics bhi pad liye the, aur aaj hum padhne wale hain ki business environment ki need kyun hai, what is the importance for that. So mainly 6 points are there which reflects the significance of business environment or the importance of business environment. So the first one is that it identify the opportunities and getting the first mover advantage. It identifies threats and early warning signals. Helps in tapping useful resources. Business environment helps the businessman in tapping useful resources. Helps in coping with rapid changes. Assisting in planning and policy formulation, and improving the performance of the business. So these are the 6 points which reflects the significance or importance of business environment. Let us take a detailed explanation of each of them one by one. So first of all, we have identifying the opportunities and getting the first mover advantage. First mover advantage yani ki market mein maan lijiye kisi cheez ki requirement hai, लेकिन कोई भी बिजनेसमैन वो आइटम अभी तक प्रेजेंट नहीं कर रहा है, अवेलेबल नहीं करवा रहा है, सप्लाई नहीं कर रहा है, और आपके माइंड में अगर ये कॉन्सेप्ट आ जाता है कि मार्केट में इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है और हमें ये चीज़ मार्केट में प्रोवाइड करनी चाहिए, सो यू विल बी गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज. आप मार्केट में सबसे बड़ा मार्केट शेयर कैप्चर कर लेंगे इस बेनिफिट को, अगर आपने सही समय पर आइडेंटिफाई कर लिया तो. सो अपॉर्चुनिटी रेफर्स टू, अपॉर्चुनिटी का मीनिंग तो हम सब समझते ही हैं. व्हाट इज अपॉर्चुनिटी मीन? अपॉर्चुनिटी रेफर्स टू द पॉजिटिव एक्सटर्नल ट्रेंड्स और चेंजेस दैट विल हेल्प अ फर्म टू इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस. सो बिजनेस की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए जो भी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं उसे हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटीज. मार्केट में कोई भी ऐसा प्रोडक्ट डिमांड में आता है जो हमारे बिजनेस बना रहा है तो उसको हम बोलेंगे अपॉर्चुनिटी. सो करंटली अगर करंट सिचुएशन के हिसाब से मैं आपको एग्जांपल दूं, तो जैसे ही कोरोना पेंडेमिक स्प्रेड हुआ, जैसे ही COVID-19 स्प्रेड हुआ, वैसे ही जो फार्मास्यूटिकल बिजनेसेस हैं, जो मेडिसिंस बनाने वाली कंपनीज हैं, उनके लिए मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ आ गई कि अब वो इसका वैक्सीन फाइंड आउट करें. और जो भी कंपनी, जो भी फार्मा कंपनी सबसे पहले COVID-19 का वैक्सीन डेवलप करती है मार्केट में, दैट कंपनी विल गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज. मार्केट में वो चाहे जितना प्राइसेस उसके लिए चार्ज कर सकेगी और दूसरे बिजनेसेस के ऊपर उसका एक अपर हैंड हो जाएगा. सो दिस इज़ नोन एज फर्स्ट मूवर एडवांटेज. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल गिवन है. मारुति उद्योग बिकेम द लीडर इन स्मॉल कार मार्केट बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट टू रिकग्नाइज द नीड फॉर स्मॉल कार्स. एक ज़माना था जब फिएट एंड एम्बेसडर, दीज वर द टू कार्स अवेलेबल इन द मार्केट, काफ़ी मजबूत गाड़ियों में से थी, और लेकिन सिर्फ फिक्स मॉडल्स थे और काफ़ी महंगी थी. मार्केट में मारुति ने सबसे पहली मारुति 800 कार लॉन्च की, जो कि काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में थी एक मिडिल क्लास पर्सन के लिए. और उसके बाद में तो अब तो खैर बाढ़ आ चुकी है, देर आर लॉट ऑफ कंपनीज हु आर प्रोवाइडिंग लॉट ऑफ डिज़ाइंस, लॉट ऑफ वैराइटीज, लॉट ऑफ कार्स, बट स्टिल मारुति इज़ हैविंग द लीडर इन द स्मॉल कार मार्केट. सो इट कैन नोन एज द गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज. जिस चीज़ की मार्केट में रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले वो जो प्रोवाइड करेगा उसे वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा. सेकेंड आता है identify threat and early warning signals. अब ये जो business environment है ये हमें सिर्फ opportunities ही नहीं बताता है बल्कि हमें threats भी बताता है कि market में हमारे लिए challenges क्या क्या है, हमें कौन सी चीज़ों से बच के रहना है. क्या ऐसा तो नहीं कि आने वाले समय में, फ्यूचर में, इन द नियर फ्यूचर जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी डिमांड कम होने वाली है, या फिर जो हमारा प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसमें चेंज इन टेक्नोलॉजी आने वाला है, दैट इज़ कॉल्ड थ्रेट एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल. सो जो बिजनेसमैन ये जो मार्केट में हमारे बिजनेस से रिलेटेड थ्रेट्स अवेलेबल हैं उनको सबसे पहले आइडेंटिफाई करेगा, तो वो उसके सेफगार्ड के लिए भी अरेंजमेंट्स कर सकता है. और टाइमली सेफगार्ड अगर हम कर लेंगे,
ये सारे थ्रेट्स है तो हमारा बिजनेस कंटिन्यू करता रहेगा, इवन ग्रो करता रहेगा. सो लेट अस सी व्हाट इज गिवन देयर. थ्रेट्स रिफर्स टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ट्रेंड्स एंड चेंजेस दैट विल हिंडर अ फर्म्स परफॉर्मेंस. जो फर्म की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं वो हो जाती हैं अपॉर्चुनिटीज़. जो फर्म की परफॉर्मेंस को हिंडर करते हैं, ऑब्स्टिकल क्रिएट करते हैं, वो हो जाती है थ्रेट्स. सो ऑब्वियसली हमें मार्केट में सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ पे ही ध्यान नहीं देना है, बल्कि हमारे बिजनेस के लिए कौन कौन से चैलेंजेस हैं, कौन कौन से थ्रेट्स अवेलेबल हैं, उस पर भी हमें ध्यान देना है. फॉर एग्जाम्पल, आज से कुछ साल पहले जियो ने सिम लॉन्च किया, फ्री ऑफ कॉस्ट सिम लॉन्च किया, जिसपे डेटा भी फ्री दिया. और सारी कंपनीज जो कॉन्सेंट्रेट कर रही थी टॉक टाइम पे, उस समय तक जब तक जियो मार्केट में नहीं आया था तब तक कोई भी कंपनी डेटा के ऊपर वर्क नहीं कर रही थी. डेटा तो एक पर्टिकुलर प्लान में मिलता था, बट देवर वर्किंग ओवर द टॉक टाइम, कि इतने रुपए का टॉक टाइम करवाइए तो फुल टॉक टाइम मिलेगा, इतने रुपए का रिचार्ज करवाइए तो इतना टॉक टाइम मिलेगा. देवर जस्ट वर्किंग ओवर द टॉक टाइम, देवर नॉट कॉन्सेंट्रेटेड कि यहाँ पे मार्केट में डेटा की रिक्वायरमेंट भी है. तो सबसे पहले जियो ने फर्स्ट मूवर एडवांटेज लिया, मार्केट में सिम्स लॉन्च की विद द फ्री डेटा. तो ये फर्स्ट मूवर था जियो का. अगर हम बात करें कि फ्री डेटा के कंसर्न में, तो जियो इज स्टिल हैविंग द बिग मार्केट शेयर. और उसकी वजह से एयरटेल के लिए हो गया ये थ्रेट. जियो के लिए था ये अपॉर्चुनिटी, और एयरटेल कंपनी के लिए और अदर जो कंपनीज हैं वोडाफोन हच एंड ऑल, सो उनके लिए ये हो गया थ्रेट. सो एयरटेल ऑफर्स न्यू स्कीम्स एंड प्लान्स व्हेन जियो एंटर्स द टेलीकॉम मार्केट. सो ऑब्वियसली ये कंपनीज ने भी फिर फ्री डेटा वगैरह देना, अनलिमिटेड डेटा देना स्टार्ट किया, बिकॉज उन्हें पता था कि नाउ इफ़ वी वॉन्ट टू स्टैंड इन द कॉम्पिटिशन विद द जियो, वी हैव टू अडॉप्ट टू द न्यू पॉलिसीज. तो ये था आइडेंटिफाइंग द थ्रेट्स. सो पहला इंपॉर्टेंस क्या है, दैट इज़ बिजनेस एनवायरनमेंट की वजह से हमें अपॉर्चुनिटीज़ का पता चलता है, मार्केट में कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, और बिजनेस एनवायरनमेंट की वजह से हमें कौन कौन से थ्रेट्स, कौन कौन से चैलेंजेस अवेलेबल हैं, वो पता चलता है. थर्ड वन इज़ टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज. द बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स अस इन टैपिंग द यूजफुल रिसोर्सेज, इन गेटिंग, इन अलोकेटिंग इन अ प्रॉपर मैनर. हैं 3M, मैन मनी एंड मटेरियल एंड देयर मैनेजमेंट. मैन विद हेल्प ऑफ वी विल बी एबल टू अलोकेट दीज अवेलेबल रिसोर्सेज इन अ यूजफुल मैनर, इन अ प्रॉपर मैनर. हमारे मार्केट में जिस प्रोडक्ट की डिमांड है उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हम बढ़ा सकते हैं. जैसे ही मार्केट में COVID-19 स्प्रेड हुआ, तो कुछ रिसोर्सेज आपने R&D में अलोकेट कर दिए, सो दैट दे कैन डेवलप अ न्यू वैक्सीन फॉर दिस पेंडेमिक. अ बिजनेस एंटरप्राइज गेट्स वेरियस रिसोर्सेज और इनपुट्स लाइक फाइनेंस, मशीन, रॉ मटेरियल, पावर एट्सेट्रा. देर आर लॉट ऑफ रिसोर्सेज विच आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन, और ये जो रिसोर्सेज हमें प्रॉपर तरीके से उनका अलोकेशन करना होता है. सो एंटरप्राइज डिजाइंस पॉलिसीज टू अरेंज द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज सो दैट इट कैन कन्वर्ट दैम इन टू आउटपुट द एनवायरमेंट डिज़ायर्स. दिस जो जो भी ये रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, उन रिसोर्सेज को हमें इस तरह से अलोकेट करना है, इस तरह से एम्प्लॉय करना है, जिससे कि हमें अपने और बिजनेस के जो डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो सके. दिस कैन बी डन बेटर बाय अंडरस्टैंडिंग बिजनेस एनवायरमेंट प्रॉपरली. अगर हमें हमारा बिजनेस एनवायरमेंट की स्कैनिंग, बिजनेस एनवायरमेंट स्कैनिंग, मैंने आप लोगों को एनवायरमेंट स्कैनिंग मीनिंग समझाया था अपने पिछले वीडियो में, येट दैट इज गेटिंग द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द बिजनेस. तो अगर हम एनवायरमेंट स्कैनिंग कर लेते हैं, तो हम अपने जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, मैन, मनी एंड मटेरियल, उनको प्रॉपर एम्प्लॉय कर सकेंगे, उनका प्रॉपर अलोकेशन कर सकेंगे. लेट अस टेक वन एग्जाम्पल फॉर दिस. With rise in demand of LED monitors, मार्केट में आज से अगर हम 30-35 साल पहले की बात करें, तो बड़े बॉक्सेस वाले टीवी चलते थे, CRT जिनको कहा जाता है, बड़े बॉक्सेस वाले टीवी होते थे. सो फॉर एग्जाम्पल, विद द राइज इन डिमांड फॉर LED monitors, companies started arranging raw material for LED instead of CRT monitors. So बिफ़ोर दैट वो CRT मॉनिटर्स पे वर्क कर रहे थे, अब उन्होंने अपने जो रिसोर्सेज थे मैन मनी एंड मटेरियल के, उनको अलोकेट कर दिया, उनको शिफ्ट कर दिया टू द
एलईडी मॉनिटर्स। तो जैसी मार्केट में डिमांड हो, जैसी टेक्नोलॉजी हो, उसके हिसाब से हमें अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करना चाहिए। और ये डिमांड कैसे हमें आइडेंटिफाई हो पाएगी, ऑब्वियसली द ओनली मीन्स वी आर हैविंग इज टू स्कैन द बिजनेस एनवायरनमेंट ऑन टाइम। प्रॉपरली स्कैन करना ही सिर्फ सफिशिएंट नहीं है, बट ऑन टाइम उसको स्कैन करना, दैट इज इम्पॉर्टेंट। सो द फर्स्ट वन वॉज इट हेल्प्स इन गेटिंग अपॉर्चुनिटी, आइडेंटिफाइंग द अपॉर्चुनिटीज। सेकेंड, इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द थ्रेट्स। द थर्ड वन वॉज इट हेल्प्स इन टैपिंग द यूजफुल रिसोर्सेज। द फोर्थ इंपॉर्टेंस कम्स इज कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। कल हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ा था और उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक था दैट बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक इन नेचर, विच इज एवर चेंजिंग। कभी फिक्स रहता ही नहीं है, बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक इन नेचर। अब डायनेमिक एनवायरनमेंट से को अगर आपको डील करना है, चेंजेस से अगर आपको डील करना है, सो जब तक उस चेंज की नॉलेज आपके पास में नहीं होगी, तब तक आप उससे डील कैसे करेंगे। सो विद द हेल्प ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट वी एबल टू अंडरस्टैंड द फैक्टर्स एंड देयर इन्फ्लुएंस ओवर आवर बिजनेस, एंड टाइमली वी विल बी एबल टू इंकल्केट दोज चेंजेस इन आवर बिजनेस ऑल्सो। सो इट हेल्प्स इन कोपिंग विद, इट हेल्प्स इन अडेप्टिंग टू द रैपिड चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द सराउंडिंग्स ऑफ द बिजनेस। द बिजनेस एनवायरमेंट इज गेटिंग इंक्रीजिंगली डायनेमिक, वेयर चेंजेस टेक प्लेस एट अ फास्ट पेस। सो फॉर एग्जाम्पल आईटी इंडस्ट्री, चेंजेस टेक एट अ वेरी फास्ट पेस। सो इन दैट डायनेमिक एनवायरमेंट द बिजनेस नीड टू अंडरस्टैंड एंड स्कैन द एनवायरमेंट इज ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस इन ऑर्डर टू इफेक्टिवली कोप अप विद दीज चेंजेस। Managers must understand and examine the environment and develop suitable course of action. So, अगर हम चाहते हैं कि ये जो भी changes market में आ रहे हैं, business environment में आ रहे हैं, changes can be due to technology, due to taste and preferences, due to government taxes and policies, it can be due to social reasons, it can be due to economic reasons, it can be due to political reasons, it can be due to legal reasons, there can be lot of reasons for which the changes may arise in the business environment, because business environment is always dynamic in nature. So with the availability of complete information of business environment in our mind, the businessman and the manager can able to cope with those changes. So this was the fourth importance. The first humne kya padha, that is it helps in identifying the opportunities. Second was it helps in identifying the threats. The third one was it helps in allocation of resource, tapping the useful resources. Fourth one is it helps in coping with rapid changes. Let us see what is the fifth one. The fifth, let us take one example for this, it helps in coping with the rapid changes. We all have heard about Google. हमने सबने सुना है. So क्या Google आज से 5 साल पहले जैसा था, आज भी वैसा ही है? Obviously not. The management of Google is continuously busy in adding new features to search engine to remain ahead of other competing search engines. Market mein Google is not the only search engine. We are having lot of search engines available, but still Google is adding lot of new features, voice feature and Google Maps, and after that there are lot of other features due to which the Google is still having a upper hand on the competitors. So this is called helps in coping with the rapid changes. जैसे हमें पता चल रहा है मार्केट में न्यू कॉम्पिटिटर्स एंटर हो रहे हैं, सो हमें अपने प्रोडक्ट में कुछ इनोवेशन लाना होगा, कुछ इम्प्रोवाइजेशन लाना होगा, सो दैट वी विल बी एबल टू कैप्चर द बिग मार्केट शेयर. सो दिस वॉज द एग्जाम्पल, गूगल वॉज द एग्जाम्पल ऑफ हेल्पिंग इन कोपिंग विद रैपिड चेंजेस. लेट इज कम टू द फिफ्थ वन, दैट इज बिजनेस प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन. आप सब जानते हैं हमें जब बिजनेस में प्लानिंग करनी होती है, तो बिजनेस में प्लानिंग बिना इंफॉर्मेशन के नहीं हो सकती. हम प्लानिंग किसके लिए करते हैं? वी ऑलवेज प्लान फॉर द फ्यूचर, एंड प्लानिंग इज ऑलवेज डन बेस्ड ओवर द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन द मार्केट एंड द थ्रेट्स दैट इज अवेलेबल इन द मार्केट. सो थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज के बारे में कौन बताता है? बिजनेस एनवायरमेंट. सो बिजनेस एनवायरमेंट ऑल्सो है प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन. हमने जो प्लानिंग करनी है वो किस पे बेस्ड होगी? मार्केट.
जो बॉन्ड मार्केट में, उसी के बेसिस पे आप अपनी फ्यूचर की प्लानिंग करेंगे और फिर उस प्लानिंग का जो भी डिपेंड करेगा विद द सिचुएशंस अवेलेबल इन द मार्केट। अपने इन मंथ ऑफ फरवरी एंड मार्च बहुत सारी प्लानिंग ऑफ अप्रैल में, लेकिन वो सारी की सारी प्लानिंग क्यों? बिकॉज लॉकडाउन डिक्लेयर हो गया। बिजनेस एनवायरनमेंट की पूरी प्रॉपर नॉलेज होती है तो ही हम अपनी उस प्लानिंग को प्रॉपर फॉर्मुलेशन, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन कर पाते हैं। सो लेट अस सी व्हाट इज गिवन हियर। सिंस एनवायरनमेंट इज अ सोर्स ऑफ बोथ अपॉर्चुनिटीज एक्ट्स एंटरप्राइज इट्स अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिसिस provide the base for planning and policy formulation. Policies के लिए, policy formulation के लिए, planning के लिए, what is the base? Obviously the threats and opportunities. For example, ITC hotels planned for new hotels in India is in India's share of world's tourism. जो जैसे जैसे इंडिया में tourism का ट्रेवल्स एंड टूरिज्म का स्कोप बढ़ने लगा, सो ITC ने न्यू होटल्स लॉन्च की मार्केट में। सो दिस वॉज द फिफ्थ इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। एंड द लास्ट वन इज दैट इज इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, ऑफ द बिजनेसमैन, ऑफ द मैनेजमेंट, ऑफ द एम्प्लॉयज। इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस बिकॉज हमें जब चैलेंजेस से डील करना होता है, जब हमें न्यू सिचुएशन से डील करना होता है, सो वी टेक रिस्क, वी अंडरटेक रिस्क एंड वी जस्ट थिंक ओवर इट, ओवर द सिचुएशन अवेलेबल, एंड इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग आवर परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। सो लेट अस सी व्हाट इज गिवन हियर। दैट इज इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट एंटरप्राइजेस व्हिच कंटीन्यूअसली मॉनिटर and adjust themselves as per changing business environment, जो business environment है वो dynamic है, uncertain है और complex है। so complex business environment को characteristic business environment के कल पढ़े थे हमने, complex business environment को scan करना इतना easy नहीं है, उसको proper तरीके से predict कर पाना इतना easy नहीं है, but still the businessman or the business enterprise which continuously monitor and adjust themselves as per changing business environment not only improve their present performance but also continue to succeed in the market for a longer period. So wo present mein to apni performance ko improve karte hi karte hain but wo future ke liye bhi ready ho jate hain aur grow kar pate hain market mein. So these were the 6 points of importance reflecting the significance of business environment, importance of business environment or the need of business environment. एक businessman को, एक management को business environment की या फिर environment scanning की ज़रूरत क्यों होती है? These 6 points have to be presented for this purpose. So I hope आपको सारे topic, सारे points अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कोई doubt लगा है तो आप comment में लिखें। Before leaving this page, subscribe to the channel so that you will be getting all the latest updates of my videos first of all. And agar video pasand aaya hai to like karein aur pasand nahi aaya hai to usko dislike karein. Okay, we will meet in the next part by tomorrow.